वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभी ढिंगरा किया फरीदाबाद शोरूम में और अपने सामने खड़ी है किया की सोनेट और ये रहने वाला है इसका HD K+ वाला वेरिएंट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस कंप्लीट कार की डिटेल्स की, क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर मिल जाते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, A to Z सारी डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल से, यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो आपको ट्विन जो मैनुअल वाइपर्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। बोनट के एंड में यहाँ पे किया का जो लोगो है वो दिया गया है। ग्रिल की हम बात कर लेते हैं, तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो इसकी ग्रिल है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है। जिसके नीचे की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे आपको क्राउन जेल शेप के साथ क्रोम इंसर्ट में अपनी जो ग्रिल गार्निश है वो भी देखने को मिल जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों हेडलाइट आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स के साथ ही दी गई है। यहाँ पे इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाएगी। फॉग लाइट आपको दी जाती है जिसमें अंदर आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है और इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब जो है कंपनी ऑफर कर देती है। इसी तरीके से सिल्वर कलर की आपको जो स्किड प्लेट है वो ऑफर करी जाती है इसके फ्रंट प्रोफाइल के अंदर। तो ओवरऑल लुक आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कैसा कुछ है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं एक बार कार के साइड प्रोफाइल में और आपको यहाँ से बताते हैं क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो कंप्लीट प्रोफाइल आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेकआउट कर सकते हैं। फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके जो रिम्स हैं वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो ये आपको हाइपर स्टाइल जो है वो ऑफर किए जाते हैं। टायर सेक्शन देने वाला है 215/60R16 का। ये आपको एक तरीके के अपने जो व्हील कवर्स हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन कटआउट जिस तरीके का होता है वो आपको एलॉय वाला फील जो है वो ऑफर कर देता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करी जाती हैं, जबकि आप रियर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर करी गई हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। बॉडी के चारों तरफ देखेंगे तो आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग ऑफर करी जाती है और ग्राउंड क्लियरेंस भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कितनी कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाए। जब आते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो अपने जो मिरर्स हैं वो आपको बॉडी कलर के दिए गए हैं विद साइटन इंडिकेटर के साथ। इन मिरर्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। बाकी कार का ए पिलर बॉडी कलर का है, बी पिलर ब्लैक्ड आउट है और सी पिलर भी आपको जो है बॉडी कलर का ही दिया गया है। डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी कलर के ही आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ जो रूफ रेल्स हैं वो ऑफर करी जाती हैं और यहाँ पे आपको शार्क फिन टाइप जो रेडियो एंटीना है वो दिया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब रियर प्रोफाइल की, तो कंप्लीट कार का जो रियर व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो ऑफर किया जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आप चेकआउट कर सकते हो। रियर विंड स्क्रीन के ऊपर आपको रियर डिफोकस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। टेल लाइट आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड जो अपनी हार्ट बीट शेप के साथ जो है वो ऑफर करी गई है और नीचे की तरफ आपको सोनेट का जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। किया का अपना जो लोगो है वो आपको मिल जाने वाला है। इसी तरीके से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स वो देखने को मिल जाएंगे। सिल्वर कलर की आपको जो स्किड प्लेट है वो ऑफर करी गई है जिसमें आपको दो पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो मिल जाते हैं। बात करें अगर इस कार के अंदर मिलने वाले बूट स्पेस की, तो आप यहाँ पे सिंपली जो है वन टैप बूट स्पेस को जो है एक्सेस कर सकते हैं और कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। 392 लीटर का आपको जो बूट स्पेस है वो सोनेट ऑफर कर देती है। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पार्शियल ट्रे जो है वो आपको इस मॉडल के अंदर भी दी गई है और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक हुक प्रोवाइड किया जाता है। इल्यूमिनेशन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती और नीचे की तरफ जो है वो आपको इसका जो स्टेपिंग टायर है वो ऑफर किया जाता है जो कि सेम साइज़ रहने वाला है और टायर सेक्शन 195/65R15 का है। चलते हैं आप कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले डोर की ओपनिंग आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, तो कुछ इतना डोर जो है वो ड्राइवर साइड वाला अपना ओपन हो जाता है। फीचर्स आप देखेंगे कंप्लीट जो इंटीरियर है इस कार का वो आपको ब्लैक कलर के साथ ही दिया गया है। सिंगल डोर में आता है जिसमें आपको सिल्वर के जो इंसर्ट्स हैं वो देखने को कई जगहों पर मिल जाएंगे। सबसे पहले डोर पैनल की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। चारों पावर विंडोज़ आपको मिल जाती हैं जिसमें आपको मिरर के कंट्रोल बटन्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, जहाँ से आप इसको एडजस्ट और फोल्ड अनफोल्ड दोनों ही कर सकते हैं। प्लास्टिक फिनिश आपको डोर पैनल्स के ऊपर मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है अम्ब्रेला होल्डर, बोतल होल्डर और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो दी गई है। अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको साइड एसी वेंट सिल्वर फिनिश के साथ दिए गए हैं। यहाँ पे अपना हेडलाइट लेवलिंग का स्विच है और आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर है वो मिल जाता है। यहाँ से आप जो है इसके बोनट को ओपन कर सकते हैं। तीनों पैडल हैं, कोने में आपको एक डेड पैडल ऑफर किया जाता है और यहाँ पर आप देखोगे तो अपना फ्यूल लीड ओपन करने के लिए आपको जो लीवर है वो दिया गया। आ चुके हैं दोस्तों कार के इंटीरियर में और यहाँ पर आप लुक चेकआउट कर सकते हो कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फीचर्स में देखेंगे सबसे पहले राउंड शेप के साथ जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिल्वर इंसर्ट्स आपको दिए गए हैं और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको MID के कंट्रोल बटन्स ऑफर किए जाते हैं। क्रूज कंट्रोल आपको इस मॉडल में नहीं दिया जाता। बाकी ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स के लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल दिया गया है और इस स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके का आपको जो फंक्शनलिटी है वो देखने को मिल जाए। डिजिटल टाइप आपको इस कार का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मिल जाता है, जहाँ पे स्पीडोमीटर डिजिटल फॉर्मेट में है। साइड में आपको टैकोमीटर, बीच में MID स्क्रीन जो है वो दी गई है और यहाँ पे आप देखोगे तो कई सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाती हैं, जिसमें ट्रिप ए ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशंस हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टोटल किलोमीटर्स, इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दी जाती हैं।
8 इंच की स्क्रीन के साथ आपको जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो ऑफर किया गया है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटीज मिल जाती हैं। यहां तक कि इसमें अपना जो रियर व्यू कैमरा है उसका आउटपुट भी आप चेक कर सकते हो, कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहां पे आप देखोगे नीचे की तरफ, तो अपना जो एसी वेंट्स है वो आपको सिल्वर फिनिश के साथ ही दिए गए हैं। ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल, वार्निंग हजार्ड लाइट का स्विच का बटन, यहाँ पे आपको फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है। नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये है अपना 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और इसमें आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ये अपना कंप्लीट जो सिल्वर फिनिशेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। पार्किंग ब्रेक लीवर है विद पियानो ब्लैक टिप के साथ, ट्विन कप होल्डर, सेंटर में आपको एक फोन स्टोरेज के लिए स्पेस भी दिया गया है। बाकी आर्मरेस्ट चेकआउट कर सकते हो, ये अपना फिक्स टाइप रहने वाला है, और नीचे की तरफ आपको जो स्पेस है वो प्रोवाइड किया जाता है। ड्राइवर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उसके अंदर आपको जो है एक टिकट होल्डर मिल जाएगा। इन साइड रियर व्यू मिरर, ये है अपना डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ, जिसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको सनग्लास होल्डर और दो कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि हेलोजन बेस्ड रहने वाली हैं। इस तरीके से ये अपनी ऑफ हो जाती हैं। और अपना को ड्राइवर साइड सनवाइजर देखते हैं तो इसमें आपको एक वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है, और यहाँ पे आपको फिक्स टाइप के जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो दिए गए हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो ग्लोव बॉक्स है कुछ इतना स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट जो इंटीरियर है वो सिंगल टोन ब्लैक कलर की थीम के साथ ही दिया गया है, तो उसी कॉम्बिनेशन में आपको सीट अपोल्स्ट्री भी मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो लेदर एट प्लस फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री जो है वो आपको ऑफर करी गई है। लेदर इंसर्ट्स आपको साइडों में मिल जाएंगे, जबकि फैब्रिक इंसर्ट आपको सेंटर वाले पार्ट पे ऑफर किया जाता है। दोनों ही एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और ये जो सीट है इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो भी ऑफर किया गया है। यहाँ से आप इसको हाइट को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिक्लाइन डिक्लाइन, और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो फीचर है वो मिल जाता है। तो कंप्लीट बात हो चुकी है इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की। अब चलते हैं एक बार सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखोगे सेकंड रो में जो डोर की ओपनिंग है वो आपको काफी अच्छी जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं, तो इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर फिनिश के साथ दिया गया है। पावर विंडो कंट्रोल बटन प्लास्टिक फिनिश आपको मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो दिया गया है। बोतल होल्डर है, स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाती है। अंदर से देखेंगे तो एडजस्टेबल आपको तीनों ही जो हेडरेस्ट हैं वो ऑफर किए जाते हैं, और इस सीट को आप फुल्ली फोल्ड भी कर सकते हैं। बैठ कर देखते हैं स्पेस वगैरह की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कितना कुछ स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। 5 फीट के हाइट के हिसाब से आप जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सेंटर में आपको रियर एसी वेंट ऑफर किया गया है, फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है, और यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए जो सॉकेट है वो भी प्रोवाइड। इसके अलावा ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो कैबिन लाइट है हेलोजन बेस्ड ऑफर करी जाती है, और दो आपको ग्रैब हैंडल्स रियर में भी मिल जाते हैं, जिसमें आपको इस साइड में कोट हुक प्रोवाइड किया गया है, और ये फिक्स टाइप के रहने वाले। बात करते हैं अगर इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि एक 4 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन 83 पीएस की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। रही बात प्राइसिंग की, तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट आता है 9,64,000 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस कार की अदर डिटेल्स लाइक कलर ऑप्शन, सेफ्टी फीचर्स को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।